हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं इस टाइम हूँ अपने ससुराल में, यानी कि गांव में। और अभी टाइम हुआ है ढाई बज रहा है, पर यहाँ मौसम ऐसा है जैसे अपने शाम के 6 या 7 बजे, क्योंकि बादल हो रहे हैं और ठंड बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। और आज है देव उठान, यानी कि देव उठनी एकादशी है। और मेरे यहाँ क्या इसकी पूजा की जाती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे पूजा की जाती है। और आज के दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। और देव उठनी पे जो भी मतलब मेरी सासू माँ है जो पूजा करेंगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे करनी है आज तुलसा जी की पूजा। और ये तुलसा जी का पौधा है जो गमले में रखा है, क्योंकि ठंड की वजह से सूख गया है, पर इसी की पूजा की जाएगी। और ये मेरी अम्मा जी हैं, आज देव उठान है, तो हमारे यहाँ क्या जो दूध उठाने की भरोसी होती है उसके पास देव बनाते हैं, तो वो बना रही हैं। और साथ में ये तुलसा जी के पास में भी अपना अच्छे से बना रही हैं। जो चावल का आटा है, उस चावल जो है उसको भिगो के पीसने के बाद ये बनाती हैं, जिससे बनाया जाता है। और आज ही के दिन देव उठान के दिन ही मेरे यहाँ क्या गन्ना जो ईख होता है गांव में, वो पूजी जाती है। मेन गन्ने की पूजा होती है, तो वही ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बिल्कुल मेरा जो घर है, मेरे ही घर के पास में ये पूजा की जा रही है, क्योंकि वहीं पे हमारा गन्ने का खेत है, तो इसलिए मैंने दिखाया। ये इस तरह से गन्ने की पूजा की जाएगी अच्छे से। क्योंकि मेन जो ये होता है देव उठान के दिन, उस दिन गन्ने की पूजा की जाती है। ये जो सामने यही गन्ने का खेत है, इसी में पूजा की है। और शाम का टाइम है, मुझे करनी है तुलसा जी की तुलसा विवाह, मुझे मतलब पूजा करनी है उनकी। ये मैंने मेरे जो घर के बाहर का आंगन है, वहीं हमने मेरे यहाँ तुलसा का पौधा रखा है, तो वहीं मुझे बैठ के पूजा करनी है। इस साल का पहला फेस्टिवल है जो मैंने अपने ससुराल में मनाया, नहीं तो सारे मैंने अपने यहीं सारे त्यौहार अपने यहाँ किए हैं। कोई भी त्यौहार मतलब अपने ससुराल में मैंने नहीं मनाया, ये पहला त्यौहार है बेटा जो मैंने अपने ससुराल में मनाया है। पौधा ठंड की वजह से बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि ठंड बहुत है इस वजह से। ठंड में क्या तुलसा जी जो होती है सूख जाती हैं, तो इसलिए सूख गया है। तुलसा माता को श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाया जाता है, तो मैंने अच्छे से मैया को पहना दिया है। एकदम चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, चुंदड़ी है। ये चुंदड़ी मेरी छोटी रह गई, क्योंकि अम्मा से मैंने बड़ी मंगाई थी पर उनको नहीं मिली, तो ये छोटी ही। छोटी रह गई पर यही मिली, गांव में नहीं मिली बड़ी, तो इसलिए मैंने इनको बस यही उड़ाया है। और अब मुझे करनी है तुलसी जी की आरती।
अच्छे से पूजा कर ली है मैंने। अब अभी शाम का समय, मैंने बताया था आपको कि मेरा देह उठाना है, तो इस तरह से मेरी अम्मा ने जो दूध उठाने वाली बरोसी होती उसी के पास ये बनता है, यानी कि घर से बाहर आंगन जो होता है उसमें। तो अब ये शाम का समय है, अम्मा पूजा कर रही हैं और अच्छे से पूजा करके और इनको देव को मतलब ढक देंगी, फिर रात में इनको उठाएंगी। आज जैसे कि देव मतलब कहते हैं विष्णु भगवान सो रहे हैं तो उनको उठाना पड़ेगा, तो देव इसीलिए देव उठाने, यानी कि अब देव उठेंगे और जो ये गन्ने हैं इन्हीं से देव उठाया जाएगा, क्योंकि मेन गन्ने की ही पूजा होती है आज के दिन और इनके साथ देव की। तो ये अम्मा ने ये देखो पूजा करने के बाद अम्मा ने ढक दिया। यहाँ की एक मतलब छबड़ी होती है, छबड़ी अब आजकल कोई रखता नहीं है, तो अम्मा ने परात से इसको ढक दिया है और रात में अम्मा इस परात से गन्ने से थाली ये बजा के उनको उठाएंगे। अब अम्मा अच्छे से पूजा कर ली है अपनी, मेरे यहाँ ये बाहर आंगन में ही ये बनता है चावल के आटे से। और शाम का रात में क्या हम लोग दिए लगा रहे हैं, क्योंकि देव उठाना तो दीप मतलब दिए भी जलाना ज़रूरी है, तो ये साथ में मैं हूँ और भाभी हैं यानी कि मेरी बड़ी जिठानी है, तो हम लोग दिए लगा रहे हैं। तो दिए लगा के सब में रख देंगे। अगर गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो क्योंकि मुझे करना है ब्लॉग का एंड। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये हमने दिए, ये मैं और मेरी भाभी हैं।